अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे उम्मीद करती हूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ अचारी दाल, माछ की दाल। तो पहले मैं प्याज डालूँगी, प्याजों को मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी। तो आप भी इसी तरह बनाइए, ये बहुत मज़े की बनती है, ये बहुत अच्छी है। दाल माछ भी बहुत अच्छी होती है, वैसे भी इसमें विटामिन भी होते हैं दालों में, तो आप लोगों को खानी चाहिए। तो ये मैं अभी प्याज फ्राई कर रही हूँ। जब हमारे प्याज अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद ये मैं टमाटर डालूँगी, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, फिर ये मैंने अचारी मसाला रखा है ये डालूँगी, फिर उसके बाद मैं दाल डालूँगी, दाल के बाद मैं गरम मसाला और हरा धनिया डालूँगी। तो आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड, अभी प्याज हमारे ब्राउन हो गए, हम इतने ही ब्राउन रखेंगे। इसके बाद मैं डालूंगी हरी मिर्ची और लाल टमाटर, और साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। इसको मैं अच्छी तरह फ्राई करूंगी। इसके बाद मैं ये अचारी मसाला एक पैकेट डालूंगी। इसके बाद मैं साथ ही काली मिर्ची कुटी हुई डालूंगी। तो इसको हम 2-3 मिनट भूनेंगे अच्छी तरह। ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे करके इसको, ताकि ये अच्छी तरह बन जाए। इसके साथ मैं 1 कप पानी का डालूंगी, इसमें हमारा ये मसाला गल भी जाएगा और अच्छी तरह पक भी जाएगा। और फ्रेंड, अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे 2 से 2.5 कप, ताकि ये मसाला और दाल अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए, मैंने 2 कप किए, ये भर भर के मैं कप नहीं डाल रही हूँ। ये मैंने पानी इसमें डाल दिया, ऐड कर दिया। अब जैसे ही पानी उबलेगा तो इसमें मैं दाल डाल दूंगी। इसको आप अच्छी तरह से हलवाएंगे। ये हमारी ग्रेवी बन गई है, और इसको जैसे ही उबाला आएगा, पानी को पक जाएगा पानी, तो इसमें हम दाल ऐड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, अभी हमारी दाल का पानी तैयार हो गया, उबल गया है, तो इसमें हम अब दाल ऐड करेंगे। ये देखें, तो ये मैंने दाल ऐड कर दी, इसको मैंने हलाना नहीं है। तो इसको मैंने 20 मिनट पूरे दम पे रखना है, हल्की आंच पे, तो ये पक जाएगी। सही, ये मैं रख रही हूँ, 20 मिनट बाद फिर पक जाएगी। तो आप इसी तरह बनाना, और मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा माय फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, अब हमारी दाल बन गई है, अचारी दाल बनाई है मैंने, आप देखें हमारी दाल बन गई है। तो अभी मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला, ये मैंने गरम मसाला डाला है, इसको मैं अच्छी तरह हला रही हूँ। ये हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये रायता होगा इसके साथ, सलाद होगा, साथ रोटी होगी, नान के साथ भी खा सकते हैं, ये आप लोगों को बहुत मज़े की लगेगी। इसके बाद मैं धनिया डाल रही हूँ, ये धनिया मैंने डाल दिया है। अब इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। तो माय फ्रेंड, ये हमारी दाल, अचारी दाल बिल्कुल रेडी है, और ये पक गई है। अभी मैं चूल्हा बंद कर दूंगी बिल्कुल। आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, अपना ख्याल रखिएगा,
ढेर सारा। अल्लाह हाफिज़ माय फ्रेंड, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।